आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप देख सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चटपटी चपली कबाब। तो चपली कबाब बनाने के लिए जो है जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं बता दूं। 1 किलो के जितनी मैंने मटन का गोश्त लिया है मशीन से निकला हुआ कीमा बनवा के, तो इसको घर में भी दोबारा मैंने पीस लिया है, अच्छे से पीसा है। और 3-4 जवे जो है मैंने लहसुन के लिए, उसको भी मोटा मोटा कूट लिया है। 1 चम्मच जो है मैंने बटर कर लिया है। अगर इसमें फैट है तो आप बटर ना डालें, अगर नहीं है तो इसमें बटर या घी डाल सकते हैं। तो मैंने भी ये ऐसे ही किया, 1 चम्मच मैंने बटर का लिया है। ये जो है मैंने हड्डियों का गुदा लिया है, कसाई की दुकान से आराम से मिल जाता है, हड्डियाँ लेके आई तो उससे ये गुदा निकाला है। 1 जो है दरमियानी साइज़ के प्याज लिया है, उसको चॉपर में डाल के इस तरह पीस लिया है। 3 हरी मिर्च लिए हैं, बाकी धनिया पुदीना है, इसको भी चॉपर में मोटा मोटा पीस लिया है। चपली कबाब मसाला है, ज़ीरा कुटा हुआ ड्राई रोस्ट किया हुआ, टमाटर 1 छोटी साइज़ के इसको भी बारीक काट लिया है, मक्की का आटा है 3 चम्मच ये भी डालेंगे, बाकी जो है मुझे ऑयल चाहिए। ये जो है शिमला मिर्च टमाटर लिया है कबाबों में लगाने के लिए, तो ये भी दिखाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले जो है मैं मैरिनेशन कर लूँगी इसकी, कीमे में मक्खन और ये गुदा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये ज़रूर डालें, कोशिश करें मिल जाए तो ये ज़रूर डालें। ज़ीरा, चपली कबाब मसाला, टमाटर, ये ज़्यादा धनिया और पुदीना है, 3 हरी मिर्च मैंने ले ली है इसलिए मैंने रेड चिली नहीं ली। प्याज, इसको खूब अच्छे से हाथों से निचोड़ लीजिएगा। और 3 चम्मच जो है ये मक्की का आटा है, इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है, अब 15-20 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, उसके बाद जो है मैं जब तक ऑयल गरम कर लूँ। अगर आप लोगों के पास मक्की का आटा नहीं है तो ब्राउन फ्लोर भी डाल सकती हैं, या चने भुने पीस के वो भी डाल सकते हैं, जो आपको सहूलत के साथ मिल जाए जी। एक बड़े कोफ्ते से थोड़ा बड़ा जो है मैंने ये मसाला लिया है, ऐसे जी इस तरह का बना है बड़ा, किनारों से इस तरह यूं करके कि फटे ना ना। इस पे जो है मैंने शिमला मिर्च रखी, सब इसी तरह हम सेट करेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दी जाऊंगी। इसी तरह सब पलटते जाएंगे एहतियात से। आंच जो है मैंने दरमियानी रखी हुई थी, तकरीबन हमारे जो है कुक हो चुके हैं, अब निकाल लूंगी मैं। जी ये रही हमारी चटपटी चपली कबाब की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक दीजिएगा,
अल्लाह हाफिज़।